कोक पीनी नहीं है भाई। गाइस आप लोगों को मैंने क्या बोला था, ये जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं आपकी के स्टेटस पे या जो भी सिस्टर्स ब्रदर्स सारे यार मतलब सिस्टर्स ही है ना सब मतलब। अच्छा तो आप लोग काइंडली इसको प्लीज थोड़ा सा मोटिवेट करें कि ये जो है मेरे साथ व्लॉग्स में इसी तरह ये जो आ रही है अगर इसी तरह आप आ जाएं व्लॉग्स में तो कोई बिल नहीं आता। लिटरली मैं कहता हूँ कोई बिल नहीं आता। ये सारे बड़े आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँ काइंडली ये मेरा इसको थोड़ा मोटिवेट करें, इसके कमरे में आए हॉस्टल में घुस जाया करें। जिस सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हॉस्टल में इसके कमरे में घुस जाया करें, सो रही हो इसको जाके उठाने शुरू कर दिया करें, रिफर रिफर उठो भाई के साथ व्लॉग बनाओ, ऐसा किया करें इसके साथ। बैठ गए भाईजान। बंदर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? हेलो, ठीक है? तबीयत भी ठीक है? बच्चे पानी ठीक हैं? कोई नहीं भाई, आप क्या कोई निजाम शिजाम है? आप स्कूल कौन सी क्लास में हो आप भाई? मारो मुझे, मारो। नहीं आप ही है, क्यूट लग रहा है ये, लेकिन बैठ किधर गया है? तो ये फीमेल है मेल है? हेलो बंदर, हेलो बेटे इधर देख। अबे क्या कर रहा है भाई जान है पैन? अच्छा इनका भाई इनका टोटली ध्यान ये होता है कि भाई ये जो हैं कोई इनको आके बाहर से मारे ना गुलेल शुलेल। आप ही तेरे पास आ रहा है, आप ही तेरे पास आ रहा है, ओए तेरे पास आ रहा है, तेरे पास आ रहा है भाई जान भाई हट जा, अभी हट, अभी हट जा, आ जाएगा तेरे पास भाई, हमारा खाना खा रही है, हट जा, हट जा, आप ही तेरी कोक ले गए भाई, हमारी कोक ले गए भाई बंदर, ओए 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 भाई हमारी कोक ले गए ओए ये लेवल हुआ है। आप ही अब इसके अंदर तो खा नहीं सकते, आप ही अब उसका बच्चा आएगा, आप ही अब उसका बच्चा आएगा, हट जा, आप इधर हो जा, उसके बच्चे की वीडियो बनानी है। कोक ले गए भाई, क्या चक्कर है उसका कुछ? ओए उसका बू आ रही आ रही, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, ऊपर अटैक के मूड में ये ना करेंगे दोबारा। ओए मेरा फोन उधर ही है, मेरा फोन ले जाएंगे मेरा, ओ तेरी बहन, मेरा फोन मेरा, आप ही की एड्रेनलिन ले गए यार तुम लोगों का चक्कर क्या है भाई, क्या चाहते क्या हो? तेरे सारे आप ही एक्शन आप ही यार, तू यार क्या है यार, कहाँ है यार? अल्लाह हाफिज हो गया था भाई, ओके तो भाई अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। कट मेरे को जान, वो किन्नू जिन पे गया, चल ना भाईजान, आपके जो अम्मी थे या आपके जो अब्बू थे वो हमारी कोक ले गए, तो भाई उसके कितने चार्जेस होंगे भाई? क्या चक्कर है आप ही हट, मेरी कोक, आपके अम्मी अब्बू हमारी कोक ले गए भाई, क्या चक्कर है उसका कुछ? ओए उसका बू आ रही आ रही, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, भाई हमारा खाना खा गया बंदर, मुझे हंसी आई है जब वो मेरा सिरप उठा के ले गया, ओले भाई खत्म हो गया इसका, अच्छी बात है तुम लोग सफाई कर दे, चलो अब हम चलो भाई, एक मिनट सलाम सलाम करके आए भाई, ओए 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 ओए, वो अटैकिंग मूड आप इधर 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 आ ना यार, उधर क्यों खड़ी है, इसको मारो, हट हट जा, ओए अटैकिंग मूड में था भाई जान, छोड़ दो। अगर जो इंसान एक दूसरे को माफ कर सकता है, माफी मांग सकता है अगर गलती हो जाए, रिश्तों में बहुत गलतियां होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी कभी टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं, दरार आ जाती है, और ये में माफ करने की क्षमता है, आई थिंक वो बहुत बड़ा दिल वाला होता है। बाकी तो ठीक है, प्यार करना, गाना गाना, मोहब्बत करना, गिविंग नेचर, लविंग नेचर, लाइकिंग नेचर, वार्मथ एंड गुडनेस, वो सब में होती है कहीं ना कहीं अपने अपने रिश्तेदारों के लिए, लेकिन आई थिंक जो इंसान रिश्ते नातों में एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ सकता है, फिर उससे बड़ी, क्योंकि ना अगर हम खलल तकलीफ दिमाग में रखें तो नेगेटिविटी बहुत हो जाती है, कि मेरे को सपोज
एक्स है, काजोल है सपोज, इनसे मेरा कुछ परेशानी है साथ में, वो जिंदगी भर रहती है तो ऐसा सब नेगेटिव होता है, फिर हर बात खुद को तकलीफ होती है, मोर देन द अदर पर्सन, आई थिंक बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ एनर्जी. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट आई थिंक टू बी एबल टू फॉरगिव, मूव ऑन एंड एक्सेप्ट एवरीबॉडी विद देयर लिटिल फ्रेलिटीज एंड वीकनेसेस, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग.